हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। आज दिन है करवा चौथ का, तो अभी मैं खा रही हूँ सारंगी। तो अभी 4:45 हो चुके हैं, मैं 4 बजे उठी थी, तो बनाते बनाते मुझे 4:45 हो चुके हैं। यहाँ मैंने बनाई है अपने लिए थोड़ी सी सेमियाँ और इटालियन पास्ता बनाया है, और थोड़े से मैंने एप्पल लिए है। अब इन सबको खाऊंगी मैं, अपना पेट पूरी तरह से भर लूँगी ताकि शाम तक मुझे भूख ना लगे। तो अभी मैं इन सबको खा रही हूँ और मिलते हैं आपको उसके बाद। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा फैमिली व्लॉग। तो आज दिन है करवा चौथ का, और मैं भी अभी करवा चौथ की कथा सुनने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबको बधाई दे देती हूँ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का करवा चौथ हर साल ऐसे ही खुशियों भरा आए, और आप सभी के पति की उम्र लंबी हो और मेरे पति की भी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो हर साल ऐसे ही आए खुशियों भरा करवा चौथ। तो अभी मैं यहाँ पूजा करने लग रही हूँ, जो कथा सुनते हैं। मैं यहाँ मंदिर के नीचे बैठी हूँ। वैसे मैं हर साल थोड़ा अलग कहीं दूर बैठती थी, मतलब। तो अब मैंने सोचा कि चलो यहीं धूप लगा देते हैं और पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ ये मंदिर है, और मैंने यहाँ पे नीचे ये गणेश महाराज जी हैं। यहाँ मैंने धूप लगा दी है। गिलास में मैंने थोड़ा पानी लिया है, चावल लिया है, इसमें थोड़ी चीनी डाल दिया, और ये वाले राइस मैं थोड़े हाथ में लूंगी और ये मैं डूब लूंगी। जैसे ही मैं कथा को सुनूंगी तो मैं ये पानी में डालती जाऊंगी, और यही वाला पानी में सूरज को अर्घ दे दूंगी। उसके बाद फिर शाम का टाइम होगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए। और मेरे पास यहाँ पे जो कथा की बुक होती है वो नहीं है, तो मैं हर साल फोन में ही लगा लेती हूँ, और फोन से ही सुन के मैं जो भी करना होता है वो कर देती हूँ। और इसमें ही मैं कथा सुनूंगी और फिर मैं अपना पानी अर्घ दे दूंगी। तो उसके बाद फिर शाम की पूजा होगी, और उसके बाद फिर रात की पूजा होगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो। अब मैंने पूजा कर ली है। जो हम कथा सुनते हैं उसके बाद फिर हम पानी देते हैं ना सूरज को, तो ये अभी मैं देती हूँ, और फिर उसके बाद श्याम की पूजा करेंगे। कहीं नहीं मिला चांद, है ना, ढूंढने पे भी। हाँ, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है तो चांद बहुत मुश्किल से दिखता है। 10 बजे तक दिखेगा, क्योंकि आज मौसम भी साफ था, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद जल्दी दिखेगा। नहीं, आज भी नहीं दिखा, लेकिन इन्होंने काम पे जाना है तो इसलिए मैंने इनके लिए खाना तैयार कर दिया। इनके लिए अभी खाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने निकलना है। मैं पूरी बना रही हूँ और ये मैंने छोले की सब्जी बनाई थी। तो उसके बाद देखते हैं कब निकलेगा चांद, और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को।
निकलने का टाइम होगा। ओके बाय बाय है।